कहा जाता है कि अगर आप इंडिया घूमने जाते हैं और आपने ताजमहल नहीं देखा तो आपकी इंडिया की ट्रिप अधूरी रहती है। उसी तरह अगर आप इटली आते हैं और आप कोलोसियम नहीं देखते हैं तो आपकी इटली की ट्रिप भी अधूरी रहती है। आज हम आए हैं कोलोसियम, ये 7 अजूबों में से एक है और ये इसकी हिस्ट्री बहुत वास्ट है, बहुत पुरानी है और मैं आपको इसके अंदर लेके चलूँगी। हम इसे अंदर से देखेंगे और देखते हैं आपको कैसा लगता है कोलोसियम। चलिए लेट्स गो। अगर आप रोम आते हैं और आपको कोलोसियम देखना है तो आप एडवांस में ही रोम आने के पहले किस दिन आपको घूमना है उसके अकॉर्डिंग टिकट बुक कर लें ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पर जनरली नेक्स्ट 2-3 डेज़ के टिकट सोल्ड आउट रहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बुक कर लेंगे तो आपको अपना शेड्यूल बाकी चीज़ों को देखने के लिए भी फिक्स कर सकते हैं, आपका इनफ टाइम होगा बाकी सारी चीज़ों के लिए और आपके लिए ईजी होगा, जस्ट आपको टिकट स्कैन कराना है और आपको अंदर आना है। कोलोसियम 1st century में बना था और उस टाइम पर ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा थिएटर था। कोलोसियम जैसे कि बहुत ज़्यादा पुराना है, ये 1st century का बना हुआ है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर काफ़ी वीक हो चुका है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा सपोर्ट दिया गया है। तो आप जब कोलोसियम के अंदर वॉक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे लोहे के सरिया और लोहे के बाकी रेलिंग से इसको कैसे सपोर्ट दिया गया है। तो जब आप टिकट ख़रीदते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कितना एक्सप्लोर करना है। अगर आपको फुल एक्सप्लोर करना है तो आपको फुल एक्सप्लोर करने वाला टिकट लेना होगा, जिससे कि आप नीचे तक जा सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे लोग देख रहे होंगे। और अगर आपको फर्स्ट लेवल का टिकट लेना है उसे आप कोलोसियम के ऊपर वाला पूरा राउंड घूम सकते हैं, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट आप नीचे नहीं जा सकते, तो आपको उसके अकॉर्डिंग टिकट लेना है। और पर्सनल गाइडेड टूर वाला भी टिकट होता है, उसमें आपके साथ गाइड भी होगा, वो आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग टिकट बुक करें जब आप ऑनलाइन बुक करते हैं। तो Thank you.
जैसे कि हमारे यहाँ जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं, जैसे महाभारत है, रामायण से रिलेटेड जो भी स्टोरीज हैं, छोटे छोटे से भाग में हमें दिखाई जाती हैं किसी भी थिएटर में, वैसे ही यहाँ पर रोमन जो लड़ाइयाँ थी, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, वो दिखाने के लिए ये थिएटर यूज़ किया जाता था और ग्लैडिएटर शोज होते थे यहाँ पर हुआ करते थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर टोटल जो कैपेसिटी है लोगों के बैठने की वो 50,000 और उससे ज़्यादा की है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर सारा एंटरटेनमेंट और सारे शोज एक साथ देखते थे। कोलोसियम के टिकट के साथ आपको दो और जगह का एक्सेस मिलता है, एक है रोमन फोरम और दूसरा है पैलेटाइन हिल्स, तो आप ये दोनों जगह भी एक्सेस कर सकते हैं। पर ध्यान रखें आप टाइम से आएँ, क्योंकि 6:15 के बाद इसका एंट्री बंद हो जाती है। तो जैसे ही आप एंट्री लेंगे इस भूल भुलैया में, आपके पास डायरेक्शन है, रोमन फोरम इस साइड है, पैलेटाइन हिल्स इस साइड है, ये सब इटालियन में लिखा हुआ है। अभी हम रोमन फोरम के बीचों बीच खड़े हैं, ये उसका सेंटर है, और जब ये रोमन फोरम बना था तब ये बहुत ही सुंदर सुंदर इमारतों से घिरा हुआ था, जिनके अब केवल अवशेष बचे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आसपास आपको सारी टूटी बिल्डिंगों के अवशेष ही दिखाई देंगे। रोम ऐसी सिटी है जहाँ पर आपको हिस्ट्री ही हिस्ट्री दिखेगी, आप बोल सकते हैं रोम इज़ अ सिटी ऑफ हिस्ट्री।
और इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो रोम इज़ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट। और वैसे भी अगर आप इटली आते हैं तो रोम विज़िट करना ना भूलें। अभी हम पैलेटाइन हिल्स पहुँच गए हैं। पैलेटाइन हिल्स रोम में जो सेवन हिल्स हैं उनमें से एक हिल है, और इसी के साथ साथ ये उन सारी हिल्स का सेंटर भी है। तो इसका जो लोकेशन है वो सेंटर में आता है। और अभी मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी यहाँ पर। यहाँ पर आपको ये जो पेड़ दिख रहे हैं, इन पेड़ में एक्चुअली ऑरेंजेस लगे हुए हैं, और इतने सारे हैं, इतने अच्छे से वो पक चुके हैं एकदम, और इनको कोई तोड़ नहीं रहा है। मेरा बड़ा मन है इनको खाने का, बट हाँ, हम यहाँ से तोड़ नहीं सकते। कोलोसियम का रात का लुक तो ऑसम है, यहाँ आना ना भूलें। और रात में आप इसे बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर जाके नहीं देख सकते, बट एक्चुअली इसका बाहर का लुक रात को ही खिल के आता है। तो रात को अब मैं आपको दिखाती हूँ कोलोसियम। अभी रात के 12 बज रहे हैं और आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। लोग ऐसे लग ही नहीं रहा है कि रात में घूम रहे हैं, कैजुअली घूमे जा रहे हैं। और सिटी एक्चुअली बहुत सुंदर लगती है रात को, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं वॉक करना, विजिट करना। सो रोम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। रोम में और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, जो मैं आपको दिखाऊंगी अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरे वीडियो में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। थैंक यू, बाय।